देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी पहुंची, जहां उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीएम सोनिका सिंह ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान डीएम ने शहर की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बैठक में लापरवाही बरतने वाली अधिकारी पर सख्ती दिखाते हुए समय सीमा के अंदर कार्य करने के निर्देश दिए। बारिश के कारण सड़कों में हुए गड्ढों को भरने और टूटे हुए सड़क को जल्द ही मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मसूरी माल रोड के मरम्मत को लेकर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश होने के कारण सड़कें पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पा रही हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कों के खस्ता हाल हैं। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह भर के भीतर कार्य पूरा करने को कहा है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। जो पैच वर्क के लिए मेनली कहा गया था वो कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बरसात भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब इसको पैचेस को भरा जाए और लोगों को असुविधा अब इसके बाद ना हो बिल्कुल।